hello friends welcome to career era today we will discuss the analog electronics subject and uh, now we will start the introduction part of the analog electronics this is the first lecture what is analog electronic circuit एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन प्रोसेस एनालॉक सिग्नल और सर्क और ए सर्किट हुज इनपुट एंड आउटपुट आर एनॉल सिग्नल वाट इज इट मीन्स इट मीन्स एक ऐसा सर्क एक ऐसा सर्किट जो कि एनलॉक सिग्नल को प्रोसेस करता हो या जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों एनालॉग सिग्नल हो इस सर्किट को हम लोग एनालॉक सर्किट्स बोलते हैं वाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनालॉग सर्किट्स सिंस मेजोरिटी ऑफ रियल टाइम सिग्नल्स आर एनालॉग दे कैन बी डायरेक्टली पास्ड इन टू इन एन एनालॉग सर्किट्स क्या होता है कि रियल टाइम सिग्नल्स जो भी हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली एनालॉग सर्किट्स में पास कर सकते हैं जबकि डिजिटल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन मीन्स जबकि डिजिटल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे फिर एट द एंड हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करते हैं सेकेंड एडवाटेज आप तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली यूज़ हो जा रहा है सेकेंड एडवाटेज क्या है एनालॉग सर्किट्स कैन भी ऑपरेटेड एट ए हाइयर पावर लेवल ऑल्सो एज कम्पेयर टू डिजिटल सर्किट्स वाट इज़ पावर सप्लाई इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कन्वर्ट्स एन ए सी इन टू डी सी पावर ओके ए सी टू डी सी कन्वर्जन इज नीडेड बिकॉज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लियांज ऑपरेटेड ऑन डी सी पावर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कि ए सी पावर को डी सी पावर में कन्वर्ट करता है इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई जो कि यूज़ होता है एनालॉग सर्किट में और एसी टू डीसी कन्वर्जन ज़रूरी क्यों होता है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लियांज ऑपरेटेड ऑन डीसी पावर जैसे कि अगर एग्जांपल की बात मैं करूं तो मोबाइल्स मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स ओके और भी जितनी एसेसरीज हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सारे क्या होते हैं डी सी पावर सप्लाई पे काम करते हैं दैट्स वाई वी विल वी हैव टू कन्वर्ट ए सी पावर इंटू डी सी पावर दैट्स वी दैट्स वाई वी नीड पावर सप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर ए सी सिग्नल ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे uh, एक ए सी सिग्नल बना रहा हूँ एग्जाम्पल एसी सिग्नल का एक एग्जाम्पल है ये एक एक्स एक्सिस है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये सपोज ये वाई एक्सिस ए सी सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है तो कुछ हमारा प्योर ए सी सिग्नल ऐसे दिखेगा अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है देखिए आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता क्या होता है ये प्योर ए सी सिग्नल ये एक पीरियॉडिक वेरिएशन है मींस इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही अपने सिग्नल को ये दोबारा रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये अपने सिग्नल को दोबारा रिपीट करता है ये सपोज करिए टाइम पीरियड है फिर सेम टाइम पीरियड पे ही ये ये जो सिग्नल है सेम सिग्नल को रिपीट कर रहा है ओके अब पहला हो गया दूसरा क्या है बाई डायरेक्शनल प्योर ए सी सिग्नल बाई डायरेक्शनल होता है मीन्स कि जितना यह पॉजिटिव हाफ में जाएगा वही सेम नेगेटिव हाफ में भी जाएगा जीरो एवरेज और डी सी वैल्यू अगर हम इसकी चूंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल पर्टिकुलर एरिया दोनों का बराबर है दैट्स बाई इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा एवरेज वैल्यू या डी सी वैल्यू क्या होगा जीरो होगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर एसी सिग्नल इज इट विल नॉट कंटेन हारमोनिक्स एक्सेप्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ अगर इसका हारमोनिक फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट सपोज है तो यह इसके अलावा कोई भी हारमोनिक्स नहीं कंटेन करता है नेक्स्ट वन इज अ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ पलसीटिंग डीसी पीरियडिक वेरिएशन होता है इसका भी ओके यूनी डायरेक्शनल होता है ये ये क्या होता है यूनी डायरेक्शनल होता है मीन्स अगर ये टाइम एक्सिस है तो इस जो सिग्नल होगा ये यूनी डायरेक्शनल होगा या पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा अगर ये पॉजिटिव है या निगेटिव में होगा ठीक है अब पीरियोडिक वेरिएशन क्यों मैंने बोला क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये अपने सिग्नल को रिपीट करता है अपने सेप और सिग्नल को रिपीट कर रहा है नॉन एवरेज और डीसी वैल्यू इसका एवरेज वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होता है क्यों क्योंकि आप देखोगे कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, है, है मतलब सारे सिग्नल्स इसके पॉजिटिव हैं तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं आएगा और ये कंटेंस हारमोनिक हारमोनिक्स के कंटेंट को हारमोनिक्स को कंटेन करता है नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्योर डीसी सिग्नल व्हाट इज प्योर डीसी सिग्नल जैसा कि मैंने लिखा है नो वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है तो यानी कि ये कांस्टेंट होगा ये सिग्नल पूरा कांस्टेंट होगा अगर ये सिग्नल है डीसी सिग्नल है तो ये क्या होगा पूरा कांस्टेंट होगा नेक्स्ट बनी फंडा फ्लक्चुएटिंग डी सी वाट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी डी सी क्या होता है जो कि अपने टाइम एक्सिस को कट ना करे मीन्स वह एक ही डायरेक्शन में रहे ठीक ये हो गया डीसी की प्रॉपर्टीज uh, अब पल्सेटिंग डीसी क्या होता है जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट uh, करता है उसको पल्सेटिंग डी सी कहते हैं नेक्स्ट वन इज अ प्योर प्योर डीसी मींस कि इसमें भी कोई फ्लक्चुएशन ना हो कांस्टेंट वैल्यू हो टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएटिंग डीसी क्या होगा अगर ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है तो इसमें क्या होगा इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होगा ठीक है फ्लक्चुएशन बहुत माइन्यूट होगा तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें फ्लक्चुएशन होता है तो ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग डीसी नेक्स्ट वन इज अ नेक्स्ट वन इज अ रेगुलेटेड रेगुलेटेड डी सी पावर सप्लाई वाट इज़ रेगुलेटेड डी सी पावर सप्लाई जो कि हमें फाइनल में यूज़ करना होता है किसी भी अप्ल होम अपलियंस में या किसी इलेक्ट्रॉनिक अपलेंस में ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ़ रेक्टिफायर रेक्टिफायर एंड फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स अगर हम यहाँ पे अगर प्योर डी सी देते हैं कहाँ पे रेक्टिफायर के स्टार्ट uh, में तो वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें वो प्रोवाइड करेगा यहां पे हमें क्या मिलेगा पल सेटिंग डीसी मिलेगा पल सेटिंग सॉरी हमें यहां पे क्या मिलेगा पल सेटिंग डीसी मिलेगा पल सेटिंग डीसी मिलेगा ये क्या होता है ये एसी प्लस डीसी का कॉम्बिनेशन एक तरह से होता है नेक्स्ट फिल्टर क्या करेगा इसको फिल्टर जो होगा इसको जो पल्सेटिंग डीसी है उसको वन डायरेक्शन कर देगा मींस इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा तो हमें फिल्टर के आउटपुट क्या मिलेगा फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगा फ्लक्चुएटिंग 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 डीसी मिलेगा यहाँ पे ओके okay? नेक्स्ट ये फ्लक्चुएटिंग डीसी को हम लोग कहाँ देंगे वोल्टेज रेगुलेटर में देंगे वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होगा कि ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो हमें रिक्वायर है उस वोल्टेज पे स्टेबल करेगा मीन्स हमें इस पर यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा रेगुलेटेड डी सी रेगुलेटेड फाइनल आउटपुट मिलेगा हमें रेगुलेटेड डी सी और स्टेबल डी सी ओके तो ये हो गया रेगुलेटेड पावर सप्लाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेक्टिफायर क्या होता है रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही